हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव कार्यक्रम में आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं दैनिक राशिफल, जिसकी चर्चा आपके साथ हम करेंगे मेष राशि के जातकों से लेकर के और मीन राशि के जातकों तक। और ये जो दैनिक राशिफल है, ये ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर है। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ चर्चा करें आपके राशिफल के विषय में, आपको आज का पंचांग की भी जानकारी देना चाहेंगे। तो देखिए, आज है दिनांक 4 माह जनवरी सन 2021, दिन गुरुवार, संवत 2077, हिंदी का महीना माघ पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र स्वाति, योग गंड, करण भव और राशि है तुला। चंद्रमा आज तुला राशि में संचार कर रहे हैं और आज के राहु काल का समय है दोपहर 2:05 से लेकर के शाम 3:29 तक। आज के अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह दोपहर 12:17 से लेकर 1:05 तक है। तो आज जिन जातकों को भी कोई शुभ कार्य करना है, तो अगर वो इस अभिजीत मुहूर्त के बताए हुए समय के दौरान करते हैं तो निश्चित रूप से उनका कार्य संपन्न होगा। लेकिन राहु काल के समय कोई शुभ कार्य ना करें और ना ही शुभ कार्य के लिए घर से इस समय अवधि में जाएं। तो ये थी जानकारी आज के पंचांग के विषय में। अब होगी चर्चा आपके राशिफल के विषय में। तो सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं मेष राशि के जो जातक हैं उनके दैनिक राशिफल के विषय में। तो देखिए, आपके पास अपनी सेहत और रूप रंग को सुधारने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीख कर आप अपना धन भी बचा सकते हैं। नाती पोतों से आज काफी खुशी मिल सकती है। संभव है आज आप अपने प्रिय को टॉफी और कॉकटेल वगैरह भी दें या चॉकलेट। आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए जिम्मेवार है। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब आदि पढ़ सकते हैं या फिर अपना पसंदीदा म्यूजिक भी सुन सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। आज का उपाय रहेगा आपके लिए पानी वाला नारियल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके नौकरी या व्यापार में उन्नति होगी। अब हम चर्चा करेंगे जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके दैनिक राशिफल के विषय में। और तो आइए जानते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते हुए आपको कुछ तनाव का सामना आज करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। जीवन साथी की खराब तबीयत के कारण आज आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन आपको इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन इसलिए बचाया जाता है कि बुरे समय में वो आपके काम आ सके। बच्चे भले ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हों, लेकिन साथ ही खुशियों की वजह भी साबित होते हैं। आज आप रूहानी प्यार की मदहोशी महसूस कर पाएंगे। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखिए। आज आपने जो नई जानकारी हासिल की है वह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगी। तनाव से भरा दिन, जब नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के मोर्चे पर हालात वाकई थोड़े मुश्किल रहे हैं, लेकिन अब आप सुधरते हालात महसूस कर सकते हैं। आज का उपाय होगा आपके लिए अपने इष्ट देव को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, इससे आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। अब होगी चर्चा मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके दैनिक राशिफल के विषय में। तो आइए जानते हैं, आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है आज, लेकिन अपने उत्साह को आप काबू में रखें, क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की भी पूरी संभावना नजर आ रही है, इससे आपको काफी खुशी होगी।
घर को सजाने सवारने के अलावा बच्चों की जरूरतों पर भी आप ध्यान दें। बच्चों के बिना घर आत्मा के बिना शरीर की तरह है, फिर चाहे वह कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। बच्चे घर में उत्साह और खुशियों की सौगात लाते हैं। अपने प्रिय से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे अगर आप अपना नजरिया आसपास के ऐसे लोगों को बताएं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हों, तो आपको लाभ होगा। साथ ही आपको काम के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के लिए शाबाशी भी मिलने की संभावना है। पैसा प्यार परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है। आज का उपाय होगा आपके लिए, बेडरूम की दक्षिण दीवार पर 0 वाट का लाल बल्ब जलाएं, इससे पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। अब होगी चर्चा कर्क राशि के जो जातक हैं उनके आज के दैनिक राशिफल के विषय में। तो आइए जानते हैं, आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। जिन लोगों ने जमीन खरीदी हुई थी और अब उसे बेचना चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव बिल्कुल ना करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है बल्कि संबंधों में भी दूरियां पैदा कर सकता है। विवाह प्रस्ताव के लिए सही समय है क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। अगर आप कार्य क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो अपने काम में आधुनिकता लाने की कोशिश अवश्य करें। इसके साथ ही नई तकनीक से अपडेटेड रहें, बातों को सही तरीके से समझने का आज आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आप खाली समय में इन्हीं बातों के विषय में सोचते रहेंगे और अपना समय भी बर्बाद करेंगे। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। आज का उपाय रहेगा आपके लिए, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 11 बार कम से कम, वरना 1 माला सुबह 1 माला शाम उच्चारण करने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। अब हम करेंगे चर्चा जो सिंह राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में। तो आइए जानते हैं। देखिए, दोस्तों के साथ शाम तो अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा खाने से बचना है क्योंकि यह आपकी अगली सुबह को भी खराब कर सकता है। आपका बचाया हुआ धन आज आपके काम आ सकता है लेकिन इसके साथ ही इसके जाने का भी आपको काफी दुख होगा। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें आप। आपके कार्यों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, ना कि लालच का जहर। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो यह आपके प्रेम संबंधों को मुश्किल में डाल सकता है। साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी वगैरह से दूर रहें। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। आपको या आपके जीवन साथी को बिस्तर में चोट लग सकती है, इसीलिए एक दूसरे का ख्याल रखें। आज का उपाय रहेगा, तांबे का सिक्का या टुकड़ा जेब में रखने से आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ होगा। अब हम करेंगे चर्चा जो कन्या राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, आप खाली समय का आनंद ले पाएंगे। आपका बचाया हुआ धन आज आपके काम आएगा लेकिन इसके साथ ही इसके जाने का भी आपको दुख होगा। पढ़ाई लिखाई में कम रुचि के चलते हुए बच्चे आपको थोड़ा आज निराश कर सकते हैं। आपका प्रेमी या फिर प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं, इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वो गुस्से में हैं तो उन्हें शांत करने की आप कोशिश करें। दिवा सपनों में समय खपाना नुकसानदेह रहेगा। इस मुगालते में आप ना रहें कि दूसरे आपका काम करेंगे। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। उपाय, आज का उपाय रहेगा, तांबे या सोने के पात्र में आप जल पिएं, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के दैनिक राशिफल के विषय में। तो आइए जानते हैं, आप खाली समय का आनंद ले पाएंगे। आपका बचाया हुआ धन आज आपके काम आएगा लेकिन इसके साथ ही आपको जाने का भी उसका दुख होगा। पढ़ाई लिखाई में कम रुचि के चलते बच्चे आपको आज थोड़ा निराश कर सकते हैं और
आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं। इसकी वजह उनके घर की स्थिति रहेगी। अगर वो गुस्से में है तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। दिवा स्वप्नों में समय खपाना नुकसानदेह रहेगा। इस मुगालते में आप ना रहें कि दूसरे अपना काम करेंगे। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार भी आज मुमकिन है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। तांबे या सोने के पात्र में आप जल पिए, इससे पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में। तो देखिए, अच्छी सेहत के चलते आप किसी खेल कूद की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। बुजुर्ग रिश्तेदार अपनी बेजा मांगों से आपको परेशान कर सकते हैं। भावनात्मक उथल पुथल आपको परेशान कर सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को आज मिल सकते हैं। बातों को सही तरीके से समझने का आज आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आप खाली समय में इन्हीं बातों के बारे में सोचते रह जाएंगे और अपना समय भी बर्बाद करेंगे। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। उपाय: मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन सहित बहते जल में प्रवाहित करने से पारिवारिक जीवन की जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वह दूर होंगी। अब हम करेंगे चर्चा जो धनु राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में। आध्यात्मिक की सहायता लेने का यह आज सही समय है, क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। ध्यान और योग आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने में कारगर रहेंगे। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खास धन खर्च हो सकता है। ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से आपको बचना है, जो आपके और प्रियजनों के बीच गतिरोध पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लेकर आएगा और आपको खुशमिजाज रखेगा। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हैं उन्हें आज मनमाफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही नौकरी पेशे से जुड़े इस राशि के जातक आज अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में अपने कर सकते हैं। अगर आप खरीदारी पर जाएं तो जरूरत से ज्यादा जेब ढीली करने से बचें। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। आज का उपाय होगा आपके लिए ज्ञानी विद्वान और न्यायकर्ता लोगों का सम्मान करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब हम करेंगे चर्चा जो मकर राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में। तो देखिए, ख्याली पुलाव पकाने में वक्त बर्बाद ना करें, सार्थक कार्यों में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका धन और समय दोनों ही बर्बाद करते हैं। परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत के कारण से घूमने का कार्यक्रम आज आपका टल सकता है। आपको अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आपका प्रिय जल्दी ही नाराज हो सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपको पूरा सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मातहतों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना सकारात्मक परिणाम देगा। वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए आप कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। जीवन साथी का आत्म केंद्रित व्यवहार आपको नागवार गुजरेगा। उपाय: पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए घर में क्रीम रंग के पर्दे लगाएं। अब हम करेंगे चर्चा जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके दैनिक राशिफल के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, तली भुनी खाने की चीजों से आप बिल्कुल बचें, अपने खर्चों पर आप काबू रखें और आज हाथ खोलकर व्यय करने से भी बचें। नया रूप रंग, नए कपड़े, नए यार दोस्त आज का दिन आपका खास बनाएंगे। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। किसी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से बचें जिसमें कई सारे भागीदार हों, और अगर जरूरत पड़े तो उन लोगों की राय लेने से भी आप पीछे ना हटें जो आपके बहुत करीबी हैं। कई कार्यों को छोड़कर आप आज अपने पसंदीदा कार्यों को करने का मन बनाएंगे, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। आज का उपाय रहेगा
अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए किसी क्यारी, पीपल या बड़ के पास धरती पर 28 बार सरसों का तेल टपकाएं। यही कार्य आप घर में गमले में मिट्टी रखकर भी कर सकते हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे जो मीन राशि के जातक हैं उनके दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आज का दिन ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, आप अपने कार्यों पर एकाग्रता बरकरार रखने में थोड़ी आज परेशानी महसूस करेंगे क्योंकि आज आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों को अनदेखा ना करें, हो सकता है कि वे आपकी जरूरतों को ज्यादा गंभीरता से ना लें। आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है, नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। आपको याद रखने की जरूरत है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद स्वयं अपनी मदद करता है। जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना आपके लिए वैवाहिक जीवन में उदासी का कारण बन सकते हैं। आज का उपाय होगा आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए जेब में लाल रंग का रुमाल अवश्य रखें। तो साथियों, ये था दैनिक राशिफल दिनांक 4 फरवरी और दिन गुरुवार। अब समय आ गया है कि आपसे विदा लें और अपनी वाणी को विराम दें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।